एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इंडक्शन मोटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा है, इफ़ सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज एंड नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 4, फाइंड। मीन्स हमारा सप्लाई फ्रिक्वेंसी यहाँ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और पोल जो है वो 4 के बराबर है, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट जो निकालना है वो आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, ठीक है। मीन्स आपका सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा, फिर आपको रोटर का स्पीड बताना है, फिर अप्रोक्सीमेट इफिशेंसी बताना है, जब स्लिप जो होगा वो आपका 0.5 के बराबर होगा। तो पहले यहाँ पे जो हम लोग का गिवन है वो हमने लिख लिया, ठीक है। जो पहले हम लोग सिंक्रोनस स्पीड का हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक 120 f डिवाइडेड बाई पोल, ठीक है। कितना पोल है वहाँ पे, तो हम लोग का 120 मल्टीप्लाई बाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। 50 हर्ट्ज हमने यहाँ पुट किया तो हमने सिंक्रोनस स्पीड हमें मिल गया 1500 rpm। हम लोग का फर्स्ट निकल गया। अब हम लोग को रोटर स्पीड निकालना है, तो हम लोग उसके लिए भी फार्मूला जाते हैं। स्लिप जो होता है, स्लिप किसके बराबर होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाई सिंक्रोनस स्पीड। तो हम लोग का स्लिप जो हम लोग का था 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इफिशेंसी हम लोग को निकालना जब स्लिप हम लोग का 0.5 के बराबर होगा, ठीक है। तो स्लिप हम लोग का 0.5 हमने लिख दिया और सिंक्रोनस स्पीड हमने निकाला था 1500 rpm, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1500 rpm। तो इससे हमने रोटर का स्पीड निकाल दिया, ठीक है। जब ये 1500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो 750 हो जाता है, और फिर वो इधर आके मल्टी सॉल्व करने के बाद हम लोग का रोटर स्पीड हम लोग का 750 rpm रोटेशन पर मिनट। अब हम लोग को जब अप्रोक्सीमेट इफिशेंसी निकालना है तो उसका जो होता है 1 माइनस स्लिप, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस और स्लिप का जो हम लोग का वैल्यू था वो जो था 0.5, तो यानी 0.5 का मतलब होता है हम लोग का 50% इफिशेंसी, मतलब हम लोग का इफिशेंसी जो होगा वो होगा 50%। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ सिंक्रोनस स्पीड टू द रोटर स्पीड इज 3:2, ठीक है। रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड बटे रोटर स्पीड का जो रेशियो हम लोग का दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। और आगे क्या पूछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 4 एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और इसमें जो पोल का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4 के बराबर और फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 हर्ट्ज है। तो इसमें भी हम लोग क्या क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट इफिशेंसी निकालना है, स्लिप निकालना है, रोटर स्पीड निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए हम लोग पहले जो रेशियो दिया हुआ है सिंक्रोनस स्पीड बटे रोटर स्पीड वो कितना है, 3:2, ठीक है। तो पोल हम लोग का 4 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे ns इक्वल टू कितना है, 120 फ्रीक्वेंसी बटे पोल, फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 हर्ट्ज, ठीक है। पोल का वैल्यू हम लोग का 4, तो हम लोग का सिंक्रोनस स्पीड हम लोग का निकल जाता है 1500 rpm। ये देखिए हमने निकाल दिया 1500 rpm, ठीक है। कैसे निकला आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ वैल्यू इक्वेशन में हम लोग का वैल्यू पुट करना था। अब हम लोग वही स्लिप का फॉर्मूला जानते हैं, स्लिप इक्वल सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया था, ठीक है, अगर डिवाइड पे आप करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड, ये कट के हम लोग का 1 हो जाता है, ठीक है। और हमको पता है रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड बटे रोटर स्पीड हम लोग का 3:2 था, तो उसको हम लोग अपोजिट कर देंगे, 2/3 कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का स्लिप का जो वैल्यू आएगा वो 1/3 आया, मीन्स 0.33। अब हम लोग को जब अप्रोक्सीमेट इफिशेंसी निकालना है तो 1 माइनस स्लिप के बराबर होता है, तो 1 माइनस 0.33 यानी 0.67, मीन्स हम लोग का कितना हम लोग का अप्रोक्सीमेट इफिशेंसी हो जाएगा, 67% हम लोग का एफिशिएंसी हो जाएगा। अब हमने सब कुछ निकाल लिया जैसे क्वेश्चन के हिसाब मुताबिक, हमने अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी भी निकाल लिया, स्लिप का भी वैल्यू निकाल लिया, सिंक्रोनस स्पीड। अब हम लोग को निकालना है रोटर स्पीड, तो रोटर स्पीड निकालने के लिए 1 माइनस स्लिप मल्टीप्लाई बाय सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। तो 1 माइनस स्लिप कितना था, 1/3, और रोटर स्पीड हम लोग का सिंक्रोनस स्पीड 1500। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो जब हमने सॉल्व किया तो हम लोग का 1000 rpm हम लोग को रोटर स्पीड मिल गया यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ स्लिप स्पीड इज़ 500 rpm एंड पोल इज इक्वल टू 4 एंड
वन सी इज इक्वल टू 40 हर्ज। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेट एफिशेंसी, स्लिप, रोटर स्पीड, इट इज़ स्टेबल और अनस्टेबल। मीन्स इसमें हमको क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि आपको स्लिप का स्पीड दे दिया गया 500 rpm, पोल हम लोग का 4 है, फ्रीक्वेंसी 40 हर्ज है, आपको अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी निकालना है, स्लिप का वैल्यू बताना है, रोटर का स्पीड, और ये बताना है कि ये स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो पहले तो आपको स्लिप का स्पीड दिया हुआ है, जो जो आपको दिया हुआ है उसको, आपको जो जो गिवन है उसको हमने पहले ऊपर में लिख लिया। ठीक है, फर्स्ट हम लोग इसमें निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे तभी हम लोग रोटर स्पीड निकलेगा। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला वही होता है, 120 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय पोल। तो हम लोग का सिंक्रोनस स्पीड 1200 rpm मिल जाएगा, और स्लिप स्पीड जो होता है वो होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। अगर हम लोग स्लिप स्पीड में, सिंक्रोनस स्पीड में रोटर स्पीड घटा देंगे तो हम लोग का स्लिप का स्पीड मिल जाएगा। तो वैसे ही हम लोग का स्लिप स्पीड दिया हुआ था 500, सिंक्रोनस स्पीड हमने निकाला 1200, तो हमें रोटर का स्पीड मिल गया 700 rpm। तो ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग का यहाँ पे सॉल्व हो गया रोटर का स्पीड। अब स्लिप निकालने के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। तो फिर हमने बस इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट किया है, 1200 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 1200। तो ऊपर में हम लोग का हो जाएगा 500/1200। ओवरऑल सॉल्व करेंगे 0.41 हम लोग का स्लिप का वैल्यू मिल गया। और एफिशिएंसी निकालने का वही फॉर्मूला है, 1 माइनस स्लिप। ठीक है, 1 में स्लिप का वैल्यू घटा देना है, तो 1 में स्लिप का वैल्यू घटाएं तो हम लोग का 0.41 मीन्स 0.59 आया, मीन्स 59% आप लोग का एफिशिएंसी मिल गया। जब इतना मिल गया तो इससे ये हमें पता चलता है ये स्टेबल है। ठीक है, अब हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर इज 40% फाइंड। पहला तो आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी ही दे दिया है, 40% है। ठीक है, जब एफिशिएंसी 40% है तो आपका 0.4 आपका स्लिप का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और वन स्लिप का 0.4 में आप 1 में 0.4 घटा दोगे तो आपको स्लिप का वैल्यू मिल जाएगा 0.6। ठीक है, पहले आपको निकालना है स्लिप निकालना है, फिर रेशियो ऑफ सिंक्रोनस टू रोटर स्पीड मीन्स सिंक्रोनस और रोटर स्पीड का रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, क्या रेशियो होगा सिंक्रोनस बटे रोटर का, और अगर स्लिप का स्पीड अगर 300 rpm है तो उसका रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा ये भी आपको बताना है। तो फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले एफिशिएंसी हम लोग का 40% दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, तो स्लिप का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस स्लिप, ठीक है, इक्वल टू 0.4 एफिशिएंसी का यही फॉर्मूला होता है निकालने का। तो एफिशिएंसी हम लोग का 0.4 दिया हुआ है, तो उससे हम लोग स्लिप का वैल्यू निकाल लेंगे तो 0.6 निकल गया, और स्लिप स्पीड हम लोग कितना दिया हुआ है 300 rpm। अगर 300 rpm रहेगा तो हम लोग का रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड जो होता है 1 माइनस स्लिप के बराबर होता है। और हमने ये क्या किया, इसको अब उल्टा कर दिया। ठीक है, रोटर स्पीड को नीचे, सिंक्रोनस स्पीड को ऊपर, तो सिंक्रोनस बटे रोटर इक्वल टू 1/1 माइनस स्लिप, और 1 माइनस स्लिप का जो वैल्यू था वो था 0.4, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो फिर इसको अभी हम आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 10/10 / 4 यानी 5/2 होता है। ठीक है, रेशियो आपको मिल गया। अब थर्ड इक्वेशन, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड जो हम लोग का है कितना दिया हुआ है 300 है, और दोनों सब पे हम लोग है ना ऑल को, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड हम लोग रोटर स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस बटे रोटर जिसका हमने निकाला था 5/2, और रोटर बटे रोटर तो उसका कट के 1 हो जाएगा, 5/2 - 1। ठीक है, और इधर 300 रोटर स्पीड, तो इधर हम लोग का जो सॉल्व करेंगे 5/2 - 1 तो वो हो जाता है हम लोग का 3/2 मल्टीप्लाई बाय रोटर स्पीड। तो इससे आप रोटर स्पीड निकाल सकते हो 200 rpm। जब आपको रोटर स्पीड पता चल गया तो इससे आप सिंक्रोनस स्पीड भी निकाल सकते हो 500 rpm। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ सिंक्रोनस स्पीड टू रोटर स्पीड इज 3:2 एंड पोल इज इक्वल टू 4, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ज, देन फाइंड अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी, स्लिप, रोटर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। मीन्स आपको सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 3:2, पोल का वैल्यू 4 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, तो आपको ये सब चीज़ निकालना है।
तो सिंक्रोनस बटे रोटर का जो हम लोग को जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले जो जो गिवन है उससे हम लोग ऊपर लिख दिए। पहले हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे फोर्थ नंबर, जिसका बहुत इजी फार्मूला है, उससे हम लोग 1800 आरपीएम हम लोग का सिंक्रोनस स्पीड मिल जाता है, 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय पोल। जब हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाल दिया, फिर उससे उसके बाद हम लोग निकालते हैं स्लिप का, स्लिप इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस। फिर इसको सॉल्व करने से 1 माइनस रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड, तो रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड जो होगा वो हम लोग का 2/3 होगा, और वही हमने पुट किया आगे तो हम लोग का स्लिप का वैल्यू मिल गया 0.33। इससे आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकालने का आपको 1 - 0.33 पुट करना है, आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब रोटर स्पीड का, अब रोटर स्पीड निकालना, क्योंकि हमने जो जो दिया हुआ था क्वेश्चन में रोटर स्पीड हमने क्या बोलते सिंक्रोनस स्पीड निकाल दिया, स्लिप का भी वैल्यू निकाल दिया, अब हमें रोटर स्पीड और एफिशिएंसी निकालना है। तो रोटर स्पीड निकालने के लिए 1 - स्लिप डिवाइड मल्टीप्लाई बाय सिंक्रोनस स्पीड, तो 1 - स्लिप का जो वैल्यू था 1/3, सिंक्रोनस स्पीड हम लोग था 1800 आरपीएम, ठीक है, 1800 आरपीएम यहाँ पे लिख दिए हैं। और फिर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद 1200 आरपीएम हम लोग को मिल जाएगा। और एफिशिएंसी का 1 - स्लिप यानी 1 - 0.33 यानी 0.67 मीन 67% हम लोग का एफिशिएंसी मिल जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ हम लोग का न्यूमेरिकल सेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, और प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे। अगर इसमें कोई भी न्यूमेरिकल में आपको कोई तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसमें ये एक चीज़ और देखना है, ये जो साइन है वो फर्स्ट वाला जो साइन है ये होता है करंट अंदर की ओर है, तो उसके लिए हम लोग ये साइन देते हैं, अगर करंट बाहर की ओर है तो ये साइन हम लोग का रहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।